हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद क्रोचेट। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बताने जा रही हूँ, जिसे आप दो कलर में भी बना सकते हैं और मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। आप अपनी बची हुई ऊन का बहुत अच्छे से यूज करके ये बेबी ब्लैंकेट या बेबी कोट बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये 24 स्टिच डाले हैं और एक सिलाई सीधी की है। अब मैं यहाँ पर दूसरा ऐड करके आपको पैटर्न बताती हूँ। ये मैंने व्हाइट कलर ऐड किया है, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुना, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा और एक फंदा बिना बुना, नेक्स्ट फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुना उतारना है, नेक्स्ट सीधा बुनना है, दूसरे को बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उतारना है, एक फंदा सीधा और एक बिना बुना उतारना है। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही करनी है। लास्ट का फंदा भी हम बुन लेंगे। नेक्स्ट साइड, बैक साइड, इस फंदे को सीधा बुनिए, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनिए, धागा अपनी साइड। ये फंदा जो हमने पहली सिलाई में बिना बुना उतारा था, इसको बिना बुना उतारना है, धागा पीछे, फिर व्हाइट फंदा सीधा, धागा अपनी साइड। जो बिना बुना फंदा था, इसको बिना बुने उतारना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा बिना बुना, धागा पीछे की साइड। इस फंदे को सीधा बुनना है, धागा अपनी साइड, ग्रे वाला फंदा बिना बुना उतारना है, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जो हमने सीधी सिलाई में बुना था उसको बुनना है, और जो बिना बुना उतारा था उसको बिना बुने ही उतारना है। ये पूरी सिलाई ऐसे ही करनी है। सीधा, धागा अपनी साइड, ये फंदा बिना बुना, फिर धागा पीछे, व्हाइट फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, ग्रे फंदा बिना बुने उतारना है, फिर सीधा, धागा अपनी साइड, इस फंदे को बिना बुने उतारना है, धागा पीछे, व्हाइट फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, ग्रे फंदा बिना बुने, और फिर सीधे फंदे को, व्हाइट फंदे को सीधा बुनना है राइट साइड। अब राइट साइड से हमें पूरी सिलाई सीधी बुननी है व्हाइट ऊन के साथ। पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है और बैक साइड से भी इस सिलाई को व्हाइट ऊन से पूरा सीधा ही बुनना है। बैक साइड और बैक साइड से भी व्हाइट ऊन से ही ये पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है। सारे स्टिच सीधे सीधे ही बुनने हैं। इस पैटर्न में हमें हर फंदा सीधा ही बुनना है। पैटर्न दो सिलाई में पैटर्न डालेंगे और दो सिलाई प्लेन सीधी सीधी ही बुनेंगे, राइट साइड से भी और बैक साइड से भी। अब हम ग्रे कलर लगाएंगे। एक फंदा सीधा, एक बिना बुना, एक फंदा सीधा, एक बिना बुना, एक फंदा सीधा, एक बिना बुना उतारना है, एक सीधा बुनना है और व्हाइट वाले को बिना बुना उतारना है। ग्रे कलर से सीधा व्हाइट को बिना बुने,
फिर ग्रे कलर से सीधा फंदा बुनना है, फिर बिना बुना उतारना है। ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। बैक साइड पहला फंदा सीधा, ये भी सीधा, धागा अपनी साइड, ये फंदा बिना बुने उतारना है, फिर धागा आगे, एक फंदा सीधा, धागा पीछे, ये बिना बुने उतारना है, धागा आगे करके बुने हुए फंदे को फिर से सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी साइड, बिना बुना उतार कर एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, ये बिना बुना उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर इसको सीधा बुनेंगे। ये सिलाई भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। राइट साइड, अब राइट साइड से पूरी सिलाई ग्रे कलर से सीधी बुननी है। सारे स्टिच को सीधा ही बुनना है ग्रे कलर से। ये बिना बुना फंदा भी सीधा ही ग्रे कलर से बुनना है। आप इसमें फ्रेंड्स जितना चाहे उतने मर्जी कलर लगा सकते हैं, अपनी बची हुई ऊन का भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो दो कलर से भी ये बुनाई बना सकते हैं। इसका बेबी ब्लैंकेट या कोट बहुत ही सुंदर लगता है। आप अपनी जैकेट भी बना सकते हैं, बेबी कैप भी बहुत सुंदर लगती है। बैक साइड से भी पूरी सिलाई सीधी ही बुननी है। राइट साइड, अब फिर वापस व्हाइट कलर से बुनेंगे। सेम वही प्रोसीजर रिपीट करना है। एक फंदा बुना हुआ और एक बिना बुना, सब फंदों को सीधा ही बुनना है। अब मैं आपको ये पैटर्न थोड़ा सा डालकर दिखाती हूँ, डिजाइन देखने में कैसा लगता है। सो गाइस, ये डिजाइन देखने में ऐसा लगेगा। आशा है आपको पसंद आएगा और आप इसे ट्राई भी जरूर करेंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।